आशा नहीं है। हम लोगों को बता, हम इतना कह सकते हैं कि कोई हमारी इच्छा नहीं है। हमें जो जिम्मेवारी अभी मिली है वही बहुत ही भारी है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप ही न्यूज फॉर नेशन पर। तेजस्वी यादव ने गया के मंच से बड़ा ऐलान कर दिया है कि जो कुछ उनको मिल गया है वो इतना भारी है कि अब उनको इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। दरअसल इशारे इशारे में तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार ही, वो खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए ललायत नहीं है। तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कहते हुए कहा है कि उनको जो जिम्मेवारी दी गई है वो बहुत भारी है। दरअसल बिहार सरकार में तेजस्वी यादव जो है डिप्टी सीएम है, उनके पास चार भारी भरकम विभाग है जिसमें स्वास्थ्य के साथ साथ जो है पथ निर्माण जैसे सबसे बड़े विभागों जो विभाग हैं वो इनके पास में है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने ये साफ कहा है, पहले सुनवाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। महागठबंधन की सरकार बनी है, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी है। हम आप सब लोगों को इतना जरूर कहेंगे कि कोई कमी अपने जिम्मेवारियों से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हर एक कमी को पकड़ करके दूर किया जाएगा इस सरकार में। पुरानी योजनाएं चल रही है, सात निश्चय का योजना चल रहा है, जल जीवन हरियाली चल रहा है, या जो हम लोगों की लड़ाई है पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का, इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। जहां तक रोजगार की बात हो, नौकरी की बात हो, हम तो इतना ही सब लोगों को कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे अधिकारियों को हर एक डिपार्टमेंट के लोगों को निर्देशित कर दिया है। और हम आप लोगों से बस इतना ही कहेंगे कि थोड़े इंतजार का आप लोग मजा लीजिए। जो काम और कोई कर नहीं पाया वो माननीय नीतीश कुमार जी करके दिखाएंगे। हम लोग की कोई आशा नहीं है। हम लोगों को बता, हम इतना कह सकते हैं कि कोई हमारी इच्छा नहीं है। हमें जो जिम्मेवारी अभी मिली है वही बहुत ही भारी है, तो उसको हम बड़े बखूबी ढंग से ईमानदारी से उसको हम निभा रहे हैं। और कोई इच्छा हमारी वैसी नहीं है। जब तक नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अभी से नहीं, कई सालों से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं और आप लोगों की सेवा करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम लोग पूरा सहयोग इनको करेंगे। इनके साथ जब एक बार महागठबंधन बना है तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। हम इनके साथ, हम लोग सब लोग इनके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे, बिहार को एक नए पायदान पर ले जाने का काम करेंगे। और हम लोग तो जुमला नहीं करते हैं। बता दें आपको कि नीतीश कुमार भी कुछ इसी अंदाज में अपनी बात कहते नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये कह रहे हैं कि वो पीएम पद के दावेदार नहीं है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है नरेंद्र मोदी को 24 में आने से रोकने के लिए तमाम विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने भी कुछ उसी अंदाज में जवाब दिया है, बयान दिया है मंच से। ये कहा है कि उनकी इच्छा कुछ और नहीं है, बिहार को विकसित बनाना ही उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है और जो जिम्मेवारी उनके कंधों पर है वो बहुत भारी है, अब उसी के लिए वो काम करने वाले हैं। यानी कि इशारों इशारों में उन्होंने ये साफ कर कह दिया है या ऐलान कर दिया है कि उनको फिलहाल मुख्यमंत्री बनने की कोई जल्दी नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।